अच्छे से बहुत बड़े लेवल पे ओपनिंग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित बोरीवली में बहुत बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में कमल हंडा जी ने हंडा बैंगल्स द्वारा 1 ग्राम गोल्ड शॉप का जो उद्घाटन किया, ये मेरे जैसे सामान्य परिवार से इतनी लंबी राजनीति जिसने किया उसके लिए खुशी की बात है, क्योंकि सामान्य लोगों को गहने जिस तरह से महंगा होते जा रहा है वो अफोर्ड कर नहीं पाते, तो ये बहुत ही रिजनेबल रेट में गोल्ड या तो गोल्ड को भी बीट करे इस प्रकार का वैरायटी जो मैं देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बोरीवली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ साथ में संजीव अरोरा जी उनके मित्र है, उनके नाते में है, वो दिल्ली से खास करके इस शोरूम का उद्घाटन के लिए आए, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और साथ साथ में इनके नाम में कमल है तो बोरीवली ये कमल की नगरी है, मैं इनका स्वागत करता हूँ और चाहूंगा कि ये शोरूम बहुत तेजी से आगे बढ़े, सामान्य लोगों को जिसका लाभ बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जी सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे वो भाग्य है कि भाई साहब के चरण हमारे यहाँ पड़े और बहुत हमें खुशी हुई है इस बात के लिए। और बाकी जो कंसेप्ट हम लाए हैं वो सभी मुंबई वासियों का पहले बहुत प्यार हमें मिला है ऑलरेडी, तो तभी हमने सोचा कि भाई एक शोरूम मुंबई में भी खोला जाए, तो दिल्ली में भी हमारा है, एक हमारा पंजाब में भी है, तो अभी हम ये मुंबई में एक शोरूम ओपन किया है और भाई साहब के आशीर्वाद से। इसमें एक कंसेप्ट मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, उदाहरण के तौर पर आप अगर 25,000 रुपये का कोई ज्वेलरी लेते हो तो कुछ दिनों के बाद में उसको आप रिटर्न करके 50% उसका आपको अमाउंट मिलता है, तो कुछ महीनों के बाद में आप दूसरा भी चॉइस करके ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है ऐसा मैं मानता हूँ, इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। तो आपने भी देखा है उसमें कुछ कुछ गुलाब का फूल भी जैसे कुछ लगा था, किस तरह उसका क्या कहना चाहेंगे इस तरह? नहीं, गुलाब कमल ये हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और व्यवसाय के साथ साथ में अपनी संस्कृति को भी लेकर आगे चलना ये बहुत बड़ी बात है ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए इनका जितना भी मैं अभिनंदन करूँ उतना कम है। और इधर ही बोल सकते हैं कुछ भी उसमें कह रहे कि चीजें सिर्फ आम लोगों के लिए बना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले संजीव अरोड़ा जी का बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने यहाँ बंबई में आज हमको कमल हांडा जी का जो हांडा बैंगल शोरूम है इसका उद्घाटन के लिए हमको यहाँ बुलाया, और मेरे साथ हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के और बहुत ही मतलब उच्च विचारधारा वाले व्यक्ति हमारे पूर्व सांसद गोपाल सेट्टी जी हमारे साथ बैठे हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने एक दम फोन पे निमंत्रण स्वीकार किया और आज यहाँ उद्घाटन करने पहुँचे हैं मेरे साथ में ही। तो मैं ये कमल हांडा जी को बहुत ही ज़्यादा एक बात ये कहना चाहूँगा, इस पूरे समस्त देशवासियों को, आमची मुंबई को, बहुत ही विशेष बात ये कि जो गरीब व्यक्ति जो सोना नहीं पहन सकता, जिसका सपना होता है कि हमने गले में सोना देखा सामने वाले के, हमारा मन है कि हम भी सोना पहने, तो उन गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए हमारे हांडा बैंगल्स को यहाँ पे स्थापित किया गया मुंबई में। गरीबों का सपना, सोना पहनने का जो गरीबों का सपना है उस सपना को साकार करने के लिए कमल जी ने इतना बढ़िया जो हांडा बैंगल्स खोला है। मैं चाहूंगा समस्त लोग आएं और अपने सपनों को साकार करें और 1 ग्राम गोल्ड शॉप पर आके आप सुंदर सुंदर सहन, क्योंकि हर माता बहन को बड़ी जरूरत पड़ती है सुंदरता, और कहते हैं सोना ही सुंदर है, सोना सबसे सोना है, तो ये सोना भी है। दूसरी बात, खोने का डर नहीं, खो भी जाए तो आपको दुख नहीं होगा और इतना महंगा भी नहीं है, तो बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। कमल हांडा जी को बहुत बहुत बधाई और गरीबों का सपना साकार करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप ऐसे ही यहां बम्बई ही नहीं पूरे देश भर में आपके हांडा बैंगल्स खुलें और आप ऐसे ही हर व्यक्ति के सपने को साकार करें, जो सोना पहनने का सपना है सबका पूरा हो, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हमेशा आप आम आदमी के लिए सोचते हैं हर चीज के लिए, और बॉम्बे में भी फर्स्ट टाइम पे ओपनिंग हुआ, क्या कहना है? निश्चित, देखिए लोकशाही का गठन ही आम आदमी के लिए हुआ है और हमारे देश की खूबसूरती है कि बड़े पैसे वाले सुखी संपन्न लोग भी अगर किसी का सोचते हैं तो गरीब के बारे में सोचते हैं, साधारण व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। और इससे अच्छी पहल क्या हो सकती है कि कमल जी ने सामान्य लोगों के लिए
इतना बड़ा सपना देखा, और जो समय की मांग है, आज कहूँगा आवश्यकता है। गुरु जी ने बहुत सही कहा कि महिलाएं जो होती है उनका तो पूरा भावना गोल्ड के ऊपर होता है कि मैं भी कभी इस प्रकार का पहनूंगी करके, तो एक रीजनेबल रेट में उनको पहनने का अवसर कमल जी के माध्यम से हो रहा है, इसका हम सब लोगों ने मिलकर स्वागत करना चाहिए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है जैसे सर ने बोला कि गरीब और हर मिडिल के लिए कि वो बहुत इन चीज़ों के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी महिलाएं हैं जो तरसती हैं कि हमें रियल गोल्ड पहनने का मौका मिले। पर ये चीज़ जो है मैंने खुद पर्सनली फर्स्ट टाइम देखा है और लोगों को बहुत ही ये चीज़ें पसंद आएंगी और किसी को कोई इसको पहनने के बाद ये डर नहीं रहेगा कि ये हमने इतना महंगा गोल्ड पहना है या कहीं जाएंगे वो ये गिर जाएगा या कोई चुरा लेगा। बट इतना सस्ता, इतना अच्छा डिज़ाइन जो ये मैंने खुद देखा है वो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, और मैंने जो चीज़ें आज देखी हैं ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है हमारा मुंबई में तो हो ही रहा है, ये पूरे देश में इस चीज़ का लोगों को पता चले और लोग पहनने का मौका मिले इन चीज़ों का। बहुत नजदीक से समझ सकती हूँ, और वैसे भी जो नारी होती है हमारी वो बिना आभूषण के अधूरी है, और कितनी भी सुंदर हो लेकिन जब वो आभूषण धारण करती है तो उसकी सुंदरता भी चार चांद लग जाते हैं। तो ये बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही ऑथेंटिक स्टेप कमल जी ने लिया है कि हर नारी का सपना होता है कि वो दिखे, सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे, तो ये आभूषण उसकी सुंदरता में चार चांद लगाएंगे। और जैसे आई एम बिलोंग्स टू फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म और आभूषण का बहुत गहरा नाता है, क्योंकि हमारा जो भी कैरेक्टर होता है, जो भी आर्टिस्ट होता है, वो सुंदर दिखे उसकी एक प्रोड्यूसर की एक बहुत बड़ी टारगेट होती है कि वो उसका कैरेक्टर कैसे सुंदर लगे। तो मैं यहाँ आई, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और इतनी क्रिएटिव और इतने डिफरेंट डिजाइन मुझे लगे, और इतने किफायती रेट में, और बहुत अच्छी स्कीम्स यहाँ पर है। तो आई एम डेफिनेटली इम्प्रेस्ड, एंड आई विल डेफिनेटली एनकरेज द होल टीम कि ये चीजें और स्प्रेड हो और ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। 2-3 साल के बाद वो क्या है एक्चुअली डिस्काउंट? वो एक्चुअली में डिस्काउंट नहीं है, वो क्या है कि जैसे जो भी ज्वेलरी परचेज करते हैं ना कस्टमर, सपोज कीजिए कोई 10,000 रुपए की चीज ली है कस्टमर ने, तो उसका 50% बायबैक रहता है हमारा। कहने का मतलब 10,000 की चीज हम 5,000 की कभी भी एनी टाइम वापस ले लेते हैं अपनी, क्योंकि जैसे हमने उसके ऊपर गोल्ड को कवर किया होता ना 1-2 ग्राम गोल्ड को, उसको हम रिकवर भी कर लेते हैं, तो उसी की वापसी कस्टमर को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि वो गोल्ड वेस्ट हो गया, मतलब कस्टमर ने अगर 2 ग्राम सोना खरीदा है, 2 ग्राम सोने की वो आइटम ली है, तो उसको 1 ग्राम के पैसे मिल जाने। ऐसा कोई उसके लिए कुछ टाइम लिमिट रखा है कि नहीं? कोई टाइम लिमिट नहीं, एनी टाइम। और उनके पूरे समस्त परिवार को, उनके साथ काम करने वाले सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। और आज मैं दिल्ली से यहां पर आया हूं, कमल हांडे जी की हौसला अफजाई करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह दिल्ली में इन्होंने जो शोरूम बनाकर वहां के रहने वाले निवासियों की जो मदद करी है, जिसकी इच्छा है गोल्ड डालने की, जिसकी इच्छा है आभूषण डालने की, सभी महिलाओं को, चाहे पुरुष है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, उनकी जो इन्होंने मदद करी है, और वो जो सपना होता है कि मैं भी हाथ में कड़ा डालूं, ब्रेसलेट डालूं, गले में चेन डालूं, वो सपना इन्होंने पूरा करा है। और इस मौके पर आज जो बॉम्बे में शोरूम का उद्घाटन हुआ है, मेरे आग्रह पर महाराज जी आए हैं, महामंडलेश्वर हितेश्वरानंद जी महाराज जी, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, हमारे सांसद जी गोपाल शेट्टी जी, और उनके साथ जो फिल्म सिटी से, जो फिल्म दुनिया से जो आए हैं, मंजू भारती जी, मुकेश जी भारती जी, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। और कमल हांडा जी हमारे इंद्रप्रस्थ संजीवनी के उपाध्यक्ष हैं, अच्छे समाज सेवक हैं ये, ना केवल एक व्यापारी हैं बल्कि अच्छे समाज सेवक के रूप में भी लोगों की मदद करते रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मुंबई में इस शोरूम के उद्घाटन पे बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।